भारत में अब कोरोना वायरस के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। मई में जहां रोजाना 4 लाख के आसपास नए केस आ रहे थे, तो वहीं अब ये संख्या घटकर 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीज के इलाज के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत एंटीपायरेटिक और एंटीट्यूसिव को छोड़कर अन्य सभी दवाएं हटा दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 27 मई को जारी की गई संशोधित गाइडलाइंस के तहत बिना लक्षण व हल्के लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों की ओर से दी जाने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक मल्टीविटामिन और अन्य दवाओं को बंद कर दिया गया है। अब इन्हें सिर्फ बुखार के लिए एंटीपायरेटिक और सर्दी जुखाम के लक्षण के लिए एंटीट्यूसिव ही दी जाएंगी। गाइडलाइंस में डॉक्टरों को मरीजों के गैर जरूरी टेस्ट बंद करने के लिए कहा गया है। इनमें सीटी स्कैन भी शामिल है। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और हाथ धोने का सुझाव दिया गया है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो उसे फोन पर कंसल्टेशन लेने और पौष्टिक खाने का भी सुझाव दिया गया है। गाइडलाइंस में कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को एक दूसरे से फोन या वीडियो कॉल के जरिए सकारात्मक बातें करने और एक दूसरे से जुड़े रहने का भी सुझाव दिया गया है। इनमें ये भी कहा गया है कि जो गैर लक्षणी मरीज हैं, उनके लिए कोई दवाई न बताई गई है, बशर्ते वो किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित ना हो। वहीं जो हल्के लक्षण वाले मरीज हैं, उन्हें खुद से ही बुखार, सांस लेने में तकलीफ और ऑक्सीजन लेवल की निगरानी करने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण वाले मरीज हैं, उन्हें एंटीपायरेटिक और एंटीट्यूसिव दवाएं लेनी चाहिए। खांसी के लिए उन्हें बूटसोनाइट की 800 mg मात्रा दिन में 2-5 दिन तक लेनी चाहिए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।